आज अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह देश और दुनिया के सैलानियों की मनपसंद जगह बन चुका गोवा एक दौर में ऐसा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में भारत के इस राज्य में पुर्तगाल का कब्जा था। 1947 में भारत आजाद हुआ पर इसके 14 साल बाद तक पुर्तगालियों का यहां कब्जा था। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। ऐसे आजाद हुआ गोवा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। भारत सरकार के आदेश के बाद भारतीय सेना ने यहां ऑपरेशन शुरू किया था। पुर्तगाली सेना ने कुछ विरोध के बाद घुटने टेक दिए थे और पुर्तगाल के गवर्नर ने सरेंडर फॉर्म पर साइन कर गोवा छोड़ दिया था। इसके बाद से ही इसे गोवा लिबरेशन डे गोवे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहां खोज के उद्देश्य से आए थे जिसके बाद उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया। ऐसे बदला गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आजादी के बाद गोवा को तेजी से विकास हुआ। देश विदेश से यहां की सुंदरता देखने के लिए यहां लोग आने लगे जो निरंतर जारी है। गोवा भारत के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में से एक है। हालाँकि यहाँ के कल्चर आज भी पुर्तगाल के कल्चर की झलक देखने मिलती है। इसी तरह आपको कुछ अलग तरह न्यूज रिपोर्ट्स आते रहेंगे, तो दोस्तों जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।